दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ T20 में पिछले दोनों मुकाबले में बढ़िया जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ 14 नवंबर से पहला टेस्ट खेलने के लिए उतरने वाली है। तो दोस्तों उस टेस्ट मैच के लिए क्या रहने वाली है भारतीय टीम और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 और कौन सी टीम का पलड़ा रहने वाला है भारी, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों। दोस्तों जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त भारतीय टीम का टेस्ट मुकाबले में कोई भी मुकाबला नहीं है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म से भारतीय टीम टेस्ट में खेल रही है। पिछले दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने T20 में जीते। हालांकि पिछले टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को अपने घर पे 3-0 से टेस्ट सीरीज हरा कर भी भारतीय टीम आ रही है। तो दोस्तों यह रहने वाली है भारतीय टीम की पहले मुकाबले में प्लेइंग 11। दोस्तों प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ सकते रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोस्तों उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। तो दोस्तों यह होने वाली है भारतीय टीम के पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11। दोस्तों अगर दोनों ही टीम का मुकाबला देखा जाए तो इस मुकाबले में ऑन पेपर भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम से बहुत ही मजबूत है और वैसे भी भारतीय टीम अपने घर पे खेलती है तो कभी टेस्ट मुकाबले में उनका कोई मुकाबला चाहे कितनी भी बड़ी टीम सामने हो लेकिन भारत के घर में भारत को टेस्ट में हराना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी सामने देखा जाए तो बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम है जो कि टेस्ट मुकाबले में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा पलड़ा अगर किसी टीम का भारी है तो वो टीम है भारतीय टीम। दोस्तों आपको हमने जो प्लेइंग 11 दिखाई कि आपको उसमें कोई बदलाव नजर आता है तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।